आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि 22% या डिफरेंस परसेंटेज कैसे निकालते हैं। इसकी आवश्यकता कब पड़ती है? जब हम लोग कभी भी अगर लॉट चेंज होता है, यानी किसी भी टेस्ट का, किसी भी पैरामीटर का अगर रिएजेंट का लॉट अगर चेंज होता है, तो उस टाइम हमें वेरीफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। और क्यों हम वेरीफाई करते हैं? कि क्या पता जो लॉट आया है चेंज होके, उस लॉट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्योंकि अगर रिएजेंट का जो लॉट होता है, अगर यह लॉट अगर ख़राब हो, तो सारा सारा टेस्ट आपका बेकार जाएगा। तो वेरीफाई करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है कि हम वेरीफाई कर लेंगे जो हमारा नया रिएजेंट का लॉट अगर आया है, तो वह सही है कि नहीं है, और उसके जो रिजल्ट आ रहा है वो प्रीवियस लॉट के आधार पे बढ़िया से, यानी कि अच्छे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा कि उस फार्मूले से आप खुद ब खुद चेक कर सकते हो कि जो आपका नया लॉट आया है रिएजेंट का, वो सही है कि नहीं। तो जो फार्मूला होता है वो लॉट वेरीफिकेशन का, वह होता है कि ओल्ड वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू डिवाइडेड बाई ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाई 100। ये हमारा फॉर्मूला होता है लॉट वेरिफिकेशन करने के लिए। अब ओल्ड वैल्यू क्या होता है कि जब भी अगर आप कोई रिएजेंट यूज कर रहे हो, और अगर टेस्ट करते करते आपका रिएजेंट ख़त्म हो गया और वह टेस्ट और भी करना है, तो क्या करोगे आप? जब लॉट आप चेंज करते हो तो पुराने वैल्यू, पुराने रिएजेंट से जो एक टेस्ट किया गया हो उसका वैल्यू लोगे, और माइनस फिर से नए जब रिएजेंट आप लोड करते हो, तो सेम सैंपल को एक बार फिर से आप नए वाले रिएजेंट के साथ आपको रन करना है, और दोनों को वैल्यू देखना है, और दोनों इस ओल्ड वाले वैल्यू से नए वाले वैल्यू को माइनस करके फिर ओल्ड वाला जो वैल्यू होगा उससे डिवाइडेड बाई करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे 100 से। तो आपका जो भी वैल्यू आएगा वह आप देखोगे, वह आपका या तो 22% हो जाएगा या परसेंटेज डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि कितना डिफरेंस आ रहा है। और ये कितना होना चाहिए? एक बायोकेमिस्ट्री के लिए लेस देन 5% तक ये एक्सेप्टेबल है। और अगर हिमेट में अगर कर रहे हो बायो के लिए, और अगर आप हिमेट में अगर कर रहे हो, तो लेस देन 10% तक, लेस देन 10% मतलब कि 10% तक ये एक्सेप्टेबल है, और ये 5% तक एक्सेप्टेबल है अगर दोनों के बीच में, अगर वैल्यू में अगर डिफरेंस आ रहा है। तो उससे ज़्यादा अगर आता है तो फिर आपको रिएजेंट में या तो प्रॉब्लम है, नहीं तो फिर से आपको कैलिब्रेट और क्यूसी करके इसी रिएजेंट को देखना पड़ेगा। अगर नया वाला जो रिएजेंट है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, वो ठीक है कि नहीं है, ये वेरीफाई करके आप नेक्स्ट प्रोसीजर कर सकते हो और नया टेस्ट लगा सकते हो।